नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूँ आप सभी का। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर एपिन सेटिंग जैसे जैसे चेंज होते रहते हैं, वैसे वैसे जो हम यहाँ पर एपिन सेटिंग लाते रहते हैं, लेकिन आज का कुछ एपिन सेटिंग जो है जियो का काफ़ी जो है खास होने वाला है, क्योंकि जो मैं यहाँ पर एपिन सेटिंग आज आपको बताने वाला हूँ वो जो आपके मोबाइल में इतना वर्क करेगी कि आपको कभी भी इतना जो है स्पीड नहीं मिला होगा जियो से आज तक। और गाइज, ये जो मैं एपिन सेटिंग आपको बताने वाला हूँ गाइज, अगर आप इसे अच्छे से करते हैं तो आपको जो है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्पीड जो है देखने को मिलेगी। और अगर आप ये वर्क नहीं करेंगे आपके मोबाइल में गाइज, तो आज के बाद जो कभी भी मैं ए पिन सेटिंग पर जो कोई भी वीडियो जो है नहीं लाऊंगा। ये गाइज आपसे प्रॉमिस करता हूं मैं, जैसा मैं बोलता हूं अगर आप वैसे ही जो है ए पिन सेटिंग करते हैं तो। और अगर आपका स्पीड बढ़ता है तो कमेंट जरूर करना है और वीडियो को शेयर भी जरूर करना है। और वीडियो अच्छा लगे तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके जाइएगा। तो चलिए वीडियो करते हैं हम स्टार्ट। एपिन सेटिंग करने के लिए आपको सिंपल जो अपने सेटिंग को ओपन करना है मोबाइल की, मोबाइल की सेटिंग को देन जैसे आप ओपन करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर रेडमी का 5 प्रो यूज़ कर रहा हूँ तो सिम कार्ड मोबाइल पर क्लिक कर देता हूँ। एंड जो भी आप सिम लिए हुए हैं उसको सल्यूट नंबर 1 में ही डालना आपने, जो भी आपका जियो का सिम लिए हुए हैं। तो चलिए हम यहाँ पर जियो पर क्लिक कर देते हैं। एंड उसके बाद जो एसिस पॉइंट नेम पर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। एसिस पॉइंट नेम पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर गाइस आप देख पा रहे होंगे जियो 4G मैक्स 2.0 का जो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ जियो का APN। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो कैसे फिल करना है। एंड आपको जब इसको बनाना होगा तो आपको जो है प्लस वाले आइकॉन पर ऐसे जो है क्लिक करना होगा। एंड मैं पहले ही मैंने इसको जो बना रखा है, तो चलिए मैं वो फॉर्म आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको जो वहाँ पर टाइप करना है। तो आपके सामने एडिट एसिस पॉइंट जो है ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको नेम को टाइप करना होगा गाइस, जैसे जियो, जियो का जे जो है ये कैपिटल में होगा, उसके बाद स्पेस, उसके बाद 4G, जी यहाँ पर होगा कैपिटल में, उसके बाद फिर स्पेस, स्पेस में फिर यहाँ पर मैक्स और 2.0 डाल देना, और मैक्स का जो एम होगा वो कैपिटल में होगा, और उसके बाद आपको ओके कर देना। एंड उसके बाद आता है APN, APN में यहाँ पर आपको जियो, इसका भी जो है कैपिटल में होगा जे, और नेट का जो है एन कैपिटल में होगा, जियो नेट जो है सिंपली आपको जो है डाल देना। एंड उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना। उसके बाद प्रोक्सी, नोट सेट, पोर्ट, नोट सेट, यूजर नेम, नोट सेट, पासवर्ड, नोट सेट, सर्वर में यहाँ पर गाइज आपको डालना है www.jio.com, इसका जे होगा जो भी कैपिटल में ही होगा गाइज। और उसके बाद आता है गाइज यहाँ पर MMC SC, नोट सेट, MMC प्रोक्सी, नोट सेट, MMC पोर्ट, नोट सेट, MMC और MNC। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी जो छेड़खानी नहीं करनी है, क्योंकि आपके एरिया कोड होते हैं। एंड उसके बाद आता है गाइज यहाँ पर थोड़ा टाइप यहाँ पर ओपन करना, और यहाँ पर आपको दूसरे नंबर पर PAP को जो है सिलेक्ट कर लेना। तो एंड उसके बाद आता है गाइज यहाँ पर APN टाइप को आपको जो आपके मोबाइल में है वही रहने देना। उसके बाद आता है APN प्रोटोकॉल को ओपन करना गाइज, और यहाँ पर आपको टाइप करना सबसे नीचे की तरफ जो आपको दिखाई दे रहा है IPv4/IP6 को जो यहाँ पर सिलेक्ट कर देना। एंड उसके बाद आता है APN roaming protocol, इसको ओपन करना, और यहाँ पर आपको गाइज जो टाइप करना है वो IPv4/IPv6 को जो है सिलेक्ट कर देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग बैरियर को यहाँ पर ओपन करना, और यहाँ प्रोसाइड को हटा देना है अगर आपके मोबाइल में ज़्यादा जो है बैरियर नहीं सपोर्ट करता, उसके बाद सेव नहीं होता है, तो आपको जो है LTE को जो है यहाँ पर ओके कर देना है। अगर आपके मोबाइल में अच्छा खासा जो बैरियर यहाँ पर दिखाई देता है तो गाइज यहाँ पर आपको LTE HSPAP HSPA HS UPA, और उसके बाद गाइज आपको EDG, उसके बाद गाइज आपको GPRS को सिलेक्ट करना है, और ये आप जो स्क्रीन शॉट भी जो है ले सकते हैं। एंड उसके बाद आपको जो है ओके पर क्लिक कर देना है, क्योंकि मेरे मोबाइल में सब जो है सपोर्ट होता है। तो चलिए मैं यहाँ पर जो है ओके पर क्लिक कर देता हूँ। तो एंड उसके बाद आता है मोनोटाइप में यहाँ पर आपको ओपन करना है, और यहाँ पर नॉन है तो आपको जो है नॉन ही रहने देना है। एंड उसके बाद गाइज आपको जो है इसको मोरे पे जाके जो है सेव कर लेना है। तो मैंने जो इसको पहले ही जो है सेव किया हुआ है, और मुझे जो यहाँ पर 100% जो है वर्क कर रहा है जो APN सेटिंग में आपको आज मैंने आपको बताया। और इसके APN सेटिंग को अगर आप यूज करते हो तो यहाँ पर गाइज आप जो PUBG गेम वगैरह भी खेलना चाहते हो तो अच्छे से जो है खेल पाएंगे, और अच्छा खासा जो आपको यहाँ पर स्पीड जो है देखने को मिलेगा। तो यार वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा गाइज। और अगर आपको अच्छा स्पीड मिलता है तो कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।